हूं हरेश सिद्धानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। फिर से आपका स्वागत है मेरी सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे रूलिंग नंबर 5 के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी इंसान को जान सकते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ है तो आपका रूलिंग नंबर 5 है। ये नंबर बुध का नंबर है। जो खासियत, जो गुण बुध के है, वही खासियत, वही गुण रूलिंग नंबर 5 की है। तो दोस्तों चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं रूलिंग नंबर 5 की स्ट्रेंथ के बारे में। रूलिंग नंबर 5 वाले लोग काफी अट्रैक्टिव होते हैं, बड़ी आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके भीतर एक चुंबकीय शक्ति होती है। ये हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व अपने लॉजिक से करते हैं। ये लोग काफी वर्सेटाइल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग काफी फ्रेंडली होते हैं। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो हमेशा उसके लिए तैयार होते हैं। ये काफी इम्प्रेसिव भी होते हैं। इन लोगों की स्पीच काफी अट्रैक्टिव होती है। ये बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ये लोग अपनी कन्विंसिंग पावर का उत्तम उपयोग करके हर बाजी जीत लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। ये लोग लाइफ पे कुछ बड़ा हासिल करते हैं, कुछ नया करते हैं, क्योंकि ये लोग ब्रेव होते हैं, रिस्क लेते हैं, साहसिक कार्य करते हैं, बुलंदियां भी छूते हैं। ये लोग हर कार्य को परफेक्शन से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं। ये लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, काफी प्रैक्टिकल होते हैं, वाइस होते हैं। ये लोग ईमानदार और मेहनती भी होते हैं और अपनी बातों को बड़ी सरलता से लोगों के सामने रखते हैं। ये लोग एक ही समय पे एक से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को डील आसानी से कर सकते हैं। इनके भीतर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होती है जो इनको शिखर पे ले जाती है और इनको काफी कामयाब बनाती है। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कैसे लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे विचारों को प्रेजेंट करना है, कैसे लीड करना है, कैसे किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यही तो क्वालिटी है जो इनको आगे जाके सफलता दिलाती है। ये लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। ऐसी और भी कई क्वालिटीज इनमें देखी गई है, जैसे कि ये ओपन माइंडेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आजाद पंछी होते हैं, हमेशा इनोवेटिव आइडियाज का स्वागत करते हैं। कुछ नया करना हो, बड़ा करना हो, ये इनकी चाहत होती है। ये लोग प्योरली बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस करना ही पसंद करते हैं, बिजनेस मैग्नेट होते हैं। ये लोग अच्छे टीम लीडर होते हैं, अच्छे बॉस होते हैं, पर ये लोग किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये थी चर्चा हमारी आपके साथ रूलिंग नंबर 5 की स्ट्रेंथ के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस वीडियो का उपयोग आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हो। अब आप एक काम कीजिए, अपने आसपास रूलिंग नंबर 5 वाले लोगों को ढूंढिए। ये लोग आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, और आप चेक करें क्या यही स्ट्रेंथ उनमें आपको दिखती है। मैं पक्के से कह सकता हूं आपको ये स्ट्रेंथ दिखेगी। आप खुद को कन्विंस करके आप ये जान सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी आपके जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे रूलिंग नंबर 5 की वीकनेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में।